तो पावर क्यूरी की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ आज मर्ज क्यूरी के बारे में। अब समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे पास तीन डेटा है, एक डेटा जो कि हमारी सेल्स की डेटा है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, पीआईडी है, सीआईडी है, क्वांटिटी दिखा हुआ है किस डेट को क्या सेल हुआ। इसमें प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पीआर नाम की सीट पे है, और कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारा कस्ट नाम का सीट है उसमें लगा हुआ है। अब मुझे जो डेटा चाहिए ना, अब ये डेटा क्या है, अपडेटेड, मतलब कि अपडेट होते रहता है, जैसे कि हर दिन इसके अंदर कुछ ना कुछ नई डेटा ऐड होते रहता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सीआईडी का नेम चाहिए, तो हम यहाँ वी लुकअप लगा लेंगे। वी लुकअप कस्टमर गए यहाँ पे कॉमा टू कॉमा जीरो, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते। तो ये चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए हर दिन आपको फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा, ये ऑटोमेट नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम इस पर समरी वगैरह कुछ लगाते हैं तो ऑटोमेट होना चाहिए। तो ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा पावर क्यूरी के मर्ज क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो अब फाइल के अंदर कनेक्ट करना है, तो हम डेटा के अंदर हमारे पास फ्रॉम टेबल यहाँ पे आता है, इस फ्रॉम टेबल को लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके कीजिए। ये आपके पावर क्यूरी में आ गया, पावर क्यूरी में आ गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इससे भी, मतलब कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, इस फॉर्मूला से भी लाया जा सकता है पावर क्वेरी के अंदर। कैसे, चलिए बताते हैं। तो एक बार मैं पावर क्वेरी को यहाँ से क्लोज करता हूँ, सॉरी ये नीचे, सॉरी यहाँ पे लोड एंड क्लोज करना हटेगा नहीं जब तक इसको हटाएंगे नहीं। एक कनेक्शन ओनली हो गया यहाँ पे, मैं लोड कर दिया, लोड टू नहीं किया। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है टेबल में कंफर्म कर एक कर देता हूँ कनेक्ट। तो होम पे गए, फॉर्मूले टेबल लिया। हर टेबल का एक अपना नाम होता है जो कि आप यहाँ देखेंगे, टेबल का यहाँ नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ पी आर। तो यहाँ पे ऊपर में टेबल के लिए ना, इसका नाम कर देता हूँ पी आर। फिर कस्टमर को लिया, इसको सेलेक्ट करके इसको सबसे पहले टेबल में तुमसे डालना पड़ेगा, और इसका नाम मैं कर देता हूँ सी यू एस टी कस्टमर। अब पावर क्यूरी पे राइट क्लिक करके एडिट पे आते हैं, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी, और यहाँ पे रिसोर्स में आके हमें रिसोर्स नहीं रिसेंट नहीं तो माइन अपेन अदर सोर्स में ब्लैंक क्यूरी। ब्लैंक क्यूरी करने के बाद जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया था वहाँ पेस्ट कर दीजिए, और जो टेबल था आपका इस टेबल की जगह पे हमने रख देते हैं पी आर। आपका आ गया, मतलब कि आप यहां से भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं टेबल में जाके, और राइट क्लिक करके यहां पे अपनी क्यूरी भी लिख सकते हैं अदर क्यूरी में ब्लैंक क्यूरी करके। अब इसका नाम मैंने कर दिया टेबल के जगह पे सी यू एस टी कस्ट। अब तीनों टेबल मेरा आ गया। अब मुझे यहां पे एक चौथे टेबल बनाना है जिसके अंदर में ये सारा डेटा कंबाइन होके आएगा। तो यहाँ मर्ज क्यूरी आपको दिख रहा होगा, साइड में क्लिक करके मर्ज एज ए न्यू कीजिएगा, तो यहाँ एक नई क्यूरी बन के आएगी और आपसे पूछेगा कि क्यूरी कनेक्शंस क्या है। तो हमने बोला कि हमारा टेबल वन, टेबल वन का जो एस आई डी है, एस आई डी हम आप जो पी आई डी है, ये हमारा क्यूरी
वन का पीआईडी है और हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहां मैं देख पा रहा है कि मुझे इसमें इसी के अंदर में एक और क्यूरी अपेंड करनी है, इसमें अपेंड सिर्फ करना है हमें बस और कुछ नहीं। अब इसमें हमने बोला इसका जो सी आई डी है क्यूरी टू की सी आई डी के बराबर है, एट ओके कर दिया। तो तीन सिटी क्यूरी वन क्यूरी टू यहां पे मर्ज हुआ, मर्ज करने का आप यहां देख सकते हैं कि यहां इनर ज्वाइन लगा हुआ है। अब इसमें हमें डेटा तो नहीं आया, डेटा आएगा, देखिए क्यूरी वन जिसे टेबल 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 लिखा है इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा इसमें से क्या क्या चाहिए आपको। तो हमने बोला कि हमें नेम और एमआरपी चाहिए, तो यहाँ पे नेम और एमआरपी आपका शो हो जाएगा, कॉलम क्यूरी नेम क्यूरी वन एमआरपी। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी टू में आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं सी आई डी को हटा के नेम और सिटी कर देता हूँ, तो यहाँ पे नेम और सिटी आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से, तो इसको आप उठा के अपने हिसाब से इसको मर्ज कर सकते हो। तो मैंने पी आई डी के बगल में रखना है तो पी आई डी के बगल में क्यूरी नेम आ गया, सी आई डी के बगल में सी आई डी का नेम और उसकी सिटी को हमें रखना है। और जो क्वांटिटी हमारा है और एमआरपी वो लास्ट में आना चाहिए, तो क्वांटिटी को मैंने यहां से उठाया और इसको ले आके लास्ट में डाल दिया, नहीं लास्ट में नहीं, मैं क्वांटिटी से पहले, मैं एमआरपी से पहले रखना चाहता हूं। इस तरह से भी आप इसको अरेंज कर सकते हो अपने कॉलम को। अब बात आती है कि मुझे यहां पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। जी हाँ, अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ भी और कॉलम ऐड कर सकते हैं और ऐड कॉलम में आने के बाद यहाँ कस्टम में हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट। और अमाउंट में मेरा क्या है कि क्यूरी वन की एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सिंपल सा हमने लिखा और ओके कर दिया। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके अमाउंट आ गए। अब मुझे मान लीजिए इस पर जीएसटी निकालनी है, तो वापस कस्टम पे हम आते हैं और यहाँ पे हम जीएसटी लिख दिया और यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं अमाउंट और इसका। अब इसका मुझे 18% निकल रहा है, तो 18 इस तरह से लिखोगे तो गलत होगा। अब गलत कैसे लिख रहा है, यहाँ पे एरर दिख रहा है ना, यहाँ पे शो एरर और ये रेड कलर का यहाँ मार्क दिख रहा है, मतलब कि एरर है, क्योंकि ये एक परसेंटेज यहाँ नहीं लेगा, यहाँ आपको देना पड़ेगा 0.18, मतलब कि परसेंट डिवाइड बाय 100। इसके बाद हम मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आएगा, बट डेसिमल में आया, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए एबीसीडी है, इसलिए फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको मुझे डेसिमल नंबर पे क्लिक करना होगा। अब ये 1 2 लिखा हुआ आ गया तो डेसिमल नंबर है। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, अब इसके अगर हम इसमें आते हैं ट्रांसफॉर्म कॉलम, ये देखिए फॉर्मेट एबीसीडी, एबीसीडी आ रहा है, राउंडिंग में होगा, राउंडिंग में ट्रिग्नोमेट्री के नीचे, राउंड अप राउंड डाउन एंड राउंड, राउंड डेसिमल प्लेसेस 0 करके ओके कर दिया, नहीं हुआ। एक बार राइट स्क्रॉल करना, अच्छा इसके नया कॉलम क्रिएट कर दिया है, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। तो फिलहाल इसको हम हटाते हैं, रिमूव कर देते हैं,
सॉरी सॉरी यही है, रिमूव इधर आ गया, उसको रिमूव कर दो। यहाँ से इसको कट कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगा, स्टेप रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम सही, तो इसको हम और भी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। अब यहां से मैं इसको होम पे आता हूं, लोड एंड क्लोज, और यहां पे पिवट टेबल में नई वर्क पुट में चाहिए, जी हाँ, एंड ओके कर दिया। अब यहां मर्ज वाला डेटा तो आ जाने के साथ में क्यूरी वन क्यूरी टू अभी डेटा आ गया, वो बेसिकली हमने ओनली कनेक्शंस क्रिएट नहीं किया था, इसलिए ये डेटा भी यहाँ डबल डबल कर रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओनली कनेक्शन ओनली, और यह मर्ज क्यूरी जहाँ 142 रो लोड हुआ और इसमें आपका डेटा पूरा अरेंज फॉर्मेट में आ गया, रिलेट हो गया, और जब भी दोनों में कोई चेंजिंग होंगे ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है सर, तो ये रिलेशनशिप की बात इसमें होती है। तो आप पावर क्यूरी में इसी तरह की चीजें कर सकते हैं। डेटा बस मेनली क्या होता है, इसमें हम डेटा वगैरह जो लेते हैं उसी का पूरा रोल यहाँ पे होता है, किस तरह से डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे जहां से इंपोर्ट करना चाहते हो वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसमें अगला जाता है हमारे पास, आता है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली, लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करूंगा, ज्योग्राफी पे क्लिक करते ही न्यू दिल्ली नाम का शहर ढूंढा। अब देखिए न्यू दिल्ली नाम का उसको शहर नहीं मिला, तो बता रहा है कि क्या ये न्यू दिल्ली है, हम कहे हाँ ये न्यू दिल्ली है, सिलेक्ट कर दिया। अब ये हो गया ज्योग्राफिकल डेटा। अब सिर्फ दिल्ली के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बस ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, बस इस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे इसके एरिया चाहिए, कितने एरिया में है, मुझे इसका लेटिट्यूड चाहिए, मुझे इसका लॉन्गिट्यूड चाहिए, मुझे इसका पॉपुलेशन चाहिए, मुझे इसका टाइम जोन चाहिए। ठीक है, क्लियर सर। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं INR में मैं यहां नीचे आता हूं और यहां लिख देता हूं कि ये क्या है, करेंसी है। अब करेंसी भी नहीं समझ पाया तो ये ढूंढ के यहां से देगा कि INR यही है नाम का। ये किस में करना चाहते हैं INR, इंटरनेशनल कंसोलिडेटेड एयरलाइंस ग्रुप, नहीं नहीं इसने कुछ और दे लिया। एक मिनट मैं जो बंद करता हूँ उसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे 100 लिखा और इसके अंदर हम करेंसी को सिलेक्ट करते हैं।
हाँ ये रहा ना, ये देखिए नीचे आ गया, क्या आ गया इंडियन रुपीस बस यूएस डॉलर दिख रहा है ना सर, सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा रेट इसका, करेंसी आ गया, चेंज आ गया, ओपन प्राइस, मतलब मैं 100 रुपये को यूएस में करेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसको क्लिक करूंगा, इसको चेक कर दूंगा, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है सर। अब मुझे यूएसडी, यहाँ पे यूएसडी स्लैश आईएनआर करना है। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने करेंसी पे क्लिक कर दिया, आ गया, मैं गलत कर रहा था। अब मुझे यहाँ सेलेक्ट करके इसकी प्राइस देखनी है, तो ये प्राइस आपके पास आ गई 79.76। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी सिटी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, या किसी करेंसी के बारे में, या कोई स्टॉक के बारे में पता कर सकते हैं। SBI में मैं इस पर इसको स्टॉक कर देता हूँ। अब इसको अगर SBI ढूंढ लिया, गिन लिया, अदरवाइज आपको डेटा सिलेक्टर यहाँ दे देगा कि है क्या है आपका लर्नर स्कोर का SBI है, SBI आपका बैंक है, तो ये आप जो सिलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है। आप इससे रिलेटेड इसकी प्राइस और बाकी चीज़ें देखना चाहते हो देख सकते हो, और ये आपके लाइव होता है। क्या होता है? लाइव। अगर रेट चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज करेगा। इसमें क्या क्या है, स्टॉक है, करेंसी है, ज्योग्राफिकल है, ये ऑटोमेटिक आ गया, एक्टिविटीज है, एटॉमी है, एनिमल है, केमिस्ट्री है। अब इसको कर सकते हैं इस तरह से। अरे इसका केमिस्ट्री है क्या वो होता है, इसे मान लीजिए कि H2O कर देता हूँ मैं, इसको केमिस्ट्री करता हूँ। ये सब यूज नहीं किया मैंने सर, एक बार देख लेता हूँ। हाँ आ गया वाटर, समझ गया सर। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ देखिए आए। 3D स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे, SBG आ गया 3D स्ट्रक्चर, देखा सर? यस सर, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी तरह से वाटर के जगह पे, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे लोकेशंस भी है, फूड भी है, पीपल्स भी है। जैसे मैं यहाँ पे एन मोदी कर देता हूँ, नरेंद्र मोदी को ले रहे हैं कि ले रहे हैं, पीपल पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं, डेटा सिलेक्टर है, एन मोदी नहीं समझ पाया। हाँ बता रहा है नरेंद्र मोदी इस पर्सन, यस आ गई। अब इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, का उनका फुल नेम क्या है, इनका हाइट कितना है, इनका इमेज फोटो का BGR है कि FAP फोटो आ जाएगा, यहाँ पे कर सकते थे, बड़ा सा फोटो देगा आपको। ठीक है, नेटवर्थ कितनी है इनकी, मोदी जी की नेटवर्थ ये रहा, ऑक्यूपेशन क्या है, पॉलिटिशियन है, पेरेंट्स कौन से हैं, प्लेस ऑफ बर्थ ए बालानगर। अब इस पर भी क्लिक करते हैं, पूरा उसके बारे में जो है कहाँ है, गुजरात में क्या है, कहाँ का, तो लोकेशन दिख रहा है ना सर। लेकिन ये सब जब यूज करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तभी हो पाएगा। यहाँ देखिए मूवी हो गया है, प्लैनेट्स, प्लांट्स हो गए, या आपका स्पेस आ जाता है, या आपका स्ट्रक्चर, या तो ट्रेन, यूनिवर्सिटी, योगा, इन सब के बारे में ला सकते हैं। ठीक है सर, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, लेकिन ये आपको लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा, पुराने एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, अच्छा लगा, कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर।